एक शख्स ने अपने बेटे से वसीयत करते हुए कहा, बेटा मेरे मरने के बाद मेरे पाँव में ये फटे पुराने मोजे पहना देना, मेरी ख्वाहिश है मुझे कब्र में इसी तरह उतारा जाए। बाप का मरना था कि गुसल और कफन की तैयारी होने लगी। चुनाचे असबे वादा बेटे ने आलिम दीन से वसीयत का इजहार किया, मगर आलिम दीन ने इजाज़त ना देते हुए फरमाया, हमारे दीन में मैयत को सिर्फ कफन पहनाने की इजाज़त है। मगर लड़के ने काफ़ी इसरार किया, जिसकी बिना पर उलमाए शहर एक जगह जमा हुए ताकि कोई नतीजा निकल सके। मगर होना क्या था, लफ्जी तकरार बढ़ती गई। इसी असना एक शख्स वारिद मजलिस हुआ और बेटे को बाप का खत थमा दिया, जिसमें बाप की वसीयत यूं तहरीर थी, मेरे प्यारे बेटे देख रहे हो, कसीर मालो दौलत, बागात, गाड़ियाँ, कारखाना और तमाम इम्कानात होने के बावजूद इस बात की भी इजाज़त नहीं कि मैं एक बोसीदा मोज़ा अपने साथ ले जा सकूं। एक रोज़ तुम्हें भी मौत आएगी, आगाह हो जाओ कि तुम्हें भी एक कफन ही लेके जाना पड़ेगा। लिहाजा कोशिश करना कि जो माल और दौलत मैंने विरसा में छोड़ी है, इससे इस्तेफादा करना, नेक राह में खर्च करना, बेसहारों का सहारा बनना, क्योंकि जो वाहिद चीज़ कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी वो तुम्हारे आमाल होंगे।